हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंग इंजीनियर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले जो आपका बेस्ड होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्निक पर। गाइस, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। यहाँ पर हम कई सारे टर्म्स पढ़ने वाले जो आपको ऑन साइट इस्तेमाल होंगी, ऑन साइट इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, और इस नॉलेज के इस्तेमाल से आप अपने एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है स्टोन वर्क से, उसके बाद ब्रिक वर्क, और उसके बाद लिंटेल एंड आर्चेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिल्डिंग के टेक्निकल टर्म्स पढ़नी है। बैक एंड बैकिंग, फेस एंड फेसिंग, आर्टिंग एंड फिलिंग, कॉर्निस देखेंगे, स्ट्रिंग कोर्स, ड्रिप कोर्स, प्लिंथ कोर्स, फ्रीज कोर्स, ब्लॉकिंग कोर्स, पैरापेट एंड कोपिंग। ठीक है, तो इतने सारे टर्म्स हमें पढ़नी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आराम से इसे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक एंड बैकिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो एक बिल्डिंग का सेक्शन है। ठीक है, एक बिल्डिंग का सेक्शन लिया है हमने, और यहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स है। हमें यहाँ दिख रहा है फाउंडेशन दिख रहा है, इसके बाद जो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। तो G+3 का स्ट्रक्चर का सेक्शन हमें दिया हुआ है। तो हमें जो पहला टर्म देखना था वो था हमारा कौन सा, हमें पढ़ना है सबसे पहले कि बैक एंड बैकिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक मिनट दोस्तों, जो हमारा बिल्डिंग होता है, ठीक है, जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर पोर्शन होगा हमारा, ठीक है, जो एक्सटीरियर होगा और जो इंटीरियर होगा, ठीक है, जो अंदर का पोर्शन है वो इंटीरियर है और जो बाहर का पोर्शन है वो एक्सटीरियर है। ठीक है, तो इंटीरियर पोर्शन को हम कहते हैं बैक, जो वॉल की इंटीरियर साइड होंगी उसे कहेंगे हम बैक, और जिस मटेरियल से हमारा बैक साइड बना हुआ है, ठीक है, जिस मटेरियल से हमने बैक साइड बनाया है इसे कहेंगे हम बैकिंग। ठीक है, आप समझ गए। तो बिल्डिंग का जो इंटीरियर पार्ट है और इसे कहेंगे हम बैक, और जिस मटेरियल से आपने इसे फिल किया है, जिसे बनाया है, इसे कहेंगे हम बैकिंग। ओके, अब नाउ नेक्स्ट है हमारा फेस एंड फेसिंग। तो दोस्तों, जिस तरह बैक एंड बैकिंग था उसी तरह से आपका है फेस एंड फेसिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका बिल्डिंग का एक्सटीरियर पोर्शन है, ठीक है, जो बिल्डिंग का आपका एक्सटीरियर पोर्शन है ये वाला, तो एक्सटीरियर पोर्शन जो है उसे कहेंगे हम फेस, और जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है, आपका फेस जिस मटेरियल से बना हुआ है, वेदर इट इज़ स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी, तो वो होगा आपका फेसिंग, वो होगा आपका फेसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे। इसके बाद की थर्ड टर्म है हमारी हर्टिंग एंड फिलिंग। क्या है दोस्तों, हर्टिंग एंड फिलिंग। अब ये टर्म का क्या मीनिंग होता है, ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका जो पोर्शन होगा, आपका जो वॉल का पोर्शन होता है, ये हो गया आपका बैक और ये हो गया आपका फेस। ठीक है, तो बैकिंग और फेसिंग के बीच में जो पोर्शन होगा जिसमें आप फिल करते हो, जिसमें आप मटेरियल एज अ फिलर भरते हो, उसे कहेंगे हम फिलिंग, और हर्टिंग उसे ही कहेंगे हम हर्टिंग। मतलब जो आपका इंटीरियर पोर्शन है बैकिंग, और जो आपका एक्सटीरियर पोर्शन है, इसके बीच में जो आप मटेरियल फिल करते हो इसे कहते हैं हम फिलिंग और हर्टिंग, इसे ही कहेंगे हम फिलिंग और हर्टिंग। ठीक है दोस्तों, समझिए आपको। तो हमने तीन टर्म्स अभी देख लिए, कौन से, बैक एंड बैकिंग जो हमारा इंटीरियर पोर्शन होगा, फेस एंड फेसिंग जो वॉल का एक्सटीरियर पोर्शन होगा, और हर्टिंग एंड फीलिंग ये आपका बैकिंग और फेसिंग के बीच में होगा। ठीक है, तीन टर्म समझ गई। अब हमें फोर्थ टर्म देखनी है, वो है हमारा कॉर्निस। दोस्तों, कॉर्निस हमें देखना है। ठीक है, अब कॉर्निस किस तरह दिखता है और कहाँ दिया होता है ये मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कॉर्निस कहाँ दिया हुआ है, ये हमारे वॉल के बाहर निकला है। ठीक है, वॉल के थोड़ा पोर्शन बाहर निकला हुआ है,
और यहाँ से आपका मेन वॉल जो है उससे थोड़ा बाहर इसलिए निकला है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती है वो डायरेक्टली आपके मेन वॉल पर ना आए, ठीक है। अगर किसी भी तरह से अगर बरसात का बारिश आती है तो बारिश का जो पानी है वो आपके वॉल को डायरेक्ट हिट ना करे, वो बाहर से निकल जाए, इसलिए हम देते हैं कॉर्निस। और ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप कॉर्निस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका जो घर है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। अब हम देखने वाले कॉर्निस दिख रहा है आपको दोस्तों, इस तरह से आपके बिल्डिंग्स पर एक्सटर्नली कॉर्निस दिया जाता है और ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बिल्डिंग की काफ़ी शोभा बढ़ाता है। और हम इंटरनली भी देखते हैं, जब आपका कॉलम सीलिंग्स तक जाता है, आपके जब स्लैब तक जाता है, तो वहाँ पर जो इंटरसेक्शन पर हम आर्किटेक्चरल व्यू देने के लिए भी कॉर्निस का प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसे एक्सटर्नली भी प्रोवाइड करते हैं और इंटरनली भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है स्ट्रिंग कोर्स, क्या देखेंगे, स्ट्रिंग कोर्स। अब स्ट्रिंग कोर्स कहाँ देते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग कोर्स के बारे में हम देखेंगे। स्ट्रिंग कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह से दिखता है दोस्तों, और ये आपका लिंटेल के ऊपर या प्लिंथ लेवल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। जो स्ट्रिंग कोर्स होता है ये कोर्स दीवार की आपकी वॉल के थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है और इसका भी काम होता है कि जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब बारिश का पानी आता है तो इस कोर्स से आपका जो भी बारिश का पानी है वो आपके मेन स्ट्रक्चर से दूर गिरे, ठीक है, ये इसका बेसिक काम होता है। क्या होता है दोस्तों कि आपका जो बारिश का पानी है ये आपके मेन स्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर हो जाए, इसलिए भी स्ट्रिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं ड्रिप कोर्स। अब इसका नाम ही ड्रिप कोर्स है दोस्तों, मतलब ड्रिप से आपको पता है कि जो बारिश का पानी आता है, बारिश का पानी आपके छत से बाहर गिरे, आपके छत से सीधा बारिश का पानी बाहर गिरे, इसलिए जो हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये आपको कोर्स दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारा ड्रिप कोर्स, ठीक है। समझ गए आपको कि छत से जो पानी सीधा बाहर रखेगा आपके मेन कोर्स से, आपके मेन वॉल से जो छत से पानी बाहर रखेगा वो होता है आपका ड्रिप कोर्स, ठीक है। इसके बाद है प्लिंथ कोर्स। अब प्लिंथ कोर्स है मतलब आपको पहले ही पता चल गया, प्लिंथ प्लिंथ मतलब कहाँ होता है, प्लिंथ कहाँ होता है आपका, ठीक है, ये है आपका प्लिंथ लेवल, ये है आपका प्लिंथ लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर आप जो प्लिंथ प्रोवाइड करते हो, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लिंथ लेवल, ठीक है, तो इस प्लिंथ लेवल पर ही हम प्लिंथ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस तरह दिखता है देख लेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, ये आपका घर है, घर की ऊंचाई हम क्यों प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बाहर से जो डस्ट होता है, ठीक है, अगर रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो आपका घर उसमें दब ना जाए, ठीक है, तो आपका घर एक पर्टिकुलर हाइट पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो 0.7 होती है, ठीक है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि आपका घर सेफ रहे, ओके। तो प्लिंथ कोर्स प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, समझ गए, प्लिंथ कोर्स। अब इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रीज कोर्स। कौन सा, फ्रीज कोर्स, और उसके बाद है ब्लॉकिंग कोर्स, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकिंग कोर्स, अब ये कहाँ दिया जाता है, जब आपका पानी छत से नीचे आता है तो यहाँ पर एक ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, एक ब्लॉकिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो पानी ओवरफ्लो ना हो जाए और मेन स्ट्रक्चर पे ना चला जाए। जो ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका बारिश का पानी आ रहा है उसके लिए जो ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है, ब्लॉकेज प्रोवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं हम ब्लॉकिंग कोर्स, उसे कहेंगे हम ब्लॉकिंग कोर्स, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी टेक्निकल टर्म्स देख ली है, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे। ब्लॉकिंग कोर्स क्या होता है कि आपका जो बारिश का पानी है वो नीचे ना जाए, रुक जाए बीच में, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ब्लॉकिंग कोर्स, ओके। उसके बाद में प्लिंथ कोर्स, प्लिंथ लेवल पर हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। प्लिंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा घर सेफ रहे और हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे। अगर आपके घर के आगे रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो आपका घर नीचे ना दब जाए। उसके बाद में ड्रिप कोर्स कब देते हैं, बारिश का पानी जो भी आता है वो आपका छत से सीधा परे गिरे, आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो आपकी वॉल है, वहाँ पर बारिश ना गिरे जिससे एफ्लोरेंसेस या डैम्पनेस आपके घर में आ जाए। उसके बाद में स्ट्रिंग कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, ये आपके वॉल के इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। इसका भी काम होता है कि जो आपका बारिश का पानी है वो आपके मेन वॉल से अवे रहे, दूर रहे, ठीक है। इसके बाद में कॉर्निस प्रोवाइड करते हैं हम कहाँ पर, जो आपका जंक्शन होता है पैरापिट वॉल का, वहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं कॉर्निस। कॉर्निस का जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है आपका घर, और ये आप इंटरनली भी प्रोवाइड कर सकते हो। कहाँ पर, जब आपका कॉलम जॉइंट करता है सीलिंग पर, ओके। और हमने कोपिंग के बारे में पढ़ना था,
स्कोपिंग आपकी प्रोवाइड की जाती है कहाँ पर, जो आपका पैरापिट वॉल होता है, जो आप एक फेंसिंग प्रोवाइड करते हो छत पर, छत पर जो फेंसिंग प्रोवाइड की जाती है हमारी कमर तक होती है, 0.8 मीटर उसकी हाइट होती है, वो है आपका पैरापिट वॉल। और पैरापिट वॉल के ही ऊपर उसमें बारिश का पानी ना जाए और आपका पैरापिट वॉल सेफ रहे और इसमें किसी भी तरह का डैम्पनेस ना आए, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं कोपिंग। कोपिंग आपको दिख रहा है दोस्तों, पैरापिट वॉल के ऊपर ही प्रोवाइड की जाती है कोपिंग। ओके, तो हमने सभी टेक्निकल टर्म्स देख ली है, बैक एंड बैकिंग पढ़ा, फेस एंड फेसिंग, आर्टिंग एंड फिलिंग, कॉर्निस पढ़ा, स्ट्रिंग कोर्स देखा, ड्रिप कोर्स भी देखिए, प्लिंथ कोर्स देखा, फ्रीज कोर्स देखा, ब्लॉकिंग कोर्स देखा, पैरापिट देखिए। ठीक है, अभी हमने पैराफिट देखा और कोपिंग भी देख लिया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हम इसे आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। ठीक है।